हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। एक्चुअली मैं ये छोटा सा ही ब्लॉग है, हम लोग जो है बाहर जा रहे थे, इवनिंग का टाइम था, ये ऑफिस से आए थे, तो मैंने कहा चलो बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा सा घूम करके आते हैं, और किचन का भी थोड़ा सा सामान लेना था, तो बस मैंने वीडियो बना लिया। मुझे लगा आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आप ब्लॉग भी डाला करो, अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। ये आप देख रहे हो आर्यन भी है, और हम लोग बस अभी निकले ही हैं। अभी बज रहा था 6:30 इवनिंग का, तो इतने बजे हम लोग निकले थे। अब आप बताओ कि कब हमारा, कब घर आएंगे, कब क्या होगा। तो बस अभी निकले हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग भी चलो हमारे साथ घूमने। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं इगेला। यहाँ का एक प्लेस है इगेला करके, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे मॉल हैं, तो वहाँ पर आप हर चीज़ मिल जाती है, मतलब एक ही जगह पर। तो कपड़े के लिए हो या फिर किचन का, घर का कुछ भी सामान हो, आप यहाँ से ले सकते हो। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं लुलू सेंटर। ये यहाँ का फेमस जो है मार्केट है, हाइपर मार्केट है। यहाँ पर सब कुछ आपको जो है मिल जाता है। तो बस अभी हम लोग जो है अंदर एंटर किए हैं, थोड़ा बहुत सामान लेंगे, ग्रॉसरी का जो भी सामान है, दाल चावल ये सारी चीज़ें। तो ये मैं देख रही हूँ, पहले देख लेते हैं कहाँ क्या है। तो मैं सोच रही थी कि केक बनाना है, उसके लिए मैंने जो है मिल्क मेड लिया था, और दाल वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो दाल वगैरह भी लेनी थी। फिर हम लोग ने सोचा कि लेट हो जाएंगे, तो खाना क्या बनाऊंगी मैं, और अब इनकी भी हिम्मत नहीं थी कि ये खाना बनाएंगे, इसलिए यही जो है ना ऑफिस से आके खाना बना। मुझे तो बेड रेस्ट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत करती हूँ जो भी बन जाता है मेरे से, बाकी खाना वगैरह में ये सब हेल्प कर देते हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं थी, तो हम लोग ने जो है यहीं से पैक करा लिया। मैंने बोला ना यहाँ पे एकदम खाने का तो पूछो ही मत, इतनी फैसिलिटीज़ है। ये आप देख सकते हैं, ये सैलेड रखा हुआ है इतना सारा। तो हम लोगों ने यहीं से बिरयानी पैक कराई थी, एक पनीर की सब्ज़ी पैक कराई थी, थोड़े से छोले पैक कराए थे, और फिर जो है थोड़ा सा प्याज वगैरह जो कुछ भी लेनी थी वो ले लिया हम लोगों ने। फ्रेश मिल्क लेने आई थी मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने पूरी शॉपिंग करी जो भी किचन का था, उसके बाद सीधे हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि पापा जी को भी खाना देना था। यहाँ पर जो है आप मेरी और आर्यन की फाइटिंग सुने। पापा जी को पारी करते हैं, और मेरे को मैं सिर्फ पापा को पारी करती हूँ, आर्यन को नहीं करूंगी। आप वो कुछ खींच रहे तो आप जल्दी उधर कर ले, कर ले, नहीं करना, मैं पारी करूंगी, आर्यन को नहीं करूंगी पारी, गंदा हो जाएगा। खींच रहे, ऐसे ही खींचते हम, लड़का है, एक नंबर का लड़का है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ बटर करता है, बिल्कुल उसको लगता है मैं उसके हाथ पे ही दे दूँ, तो वो जो है ना वो वीडियो बनाता रहे, मतलब मैं कुछ नहीं करूँ सब वही करे, और उसको बिल्कुल नहीं पसंद की पापा जी के पास बैठूँ उसके, उसको लगता है सिर्फ उसी को प्यार करे, बेबी को भी प्यार नहीं करे मम्मी, सिर्फ मेरी मम्मी है बस। फिर उसके बाद क्या, दोनों लड़ते रहे, और फिर हम लोग ये जो है घर आ गए। ये देखो रोटी जो है बाहर से लेकर के ही आ गए थे, आपको पता है यहाँ पे बहुत ही टेस्टी रोटियाँ मिलती है बाहर, खबूस मिलता है, ये ईरानी खबूस है,
एकदम ऐसा लगता है चूल्हे की बनी हुई रोटियां जैसा टेस्ट आता है, बट एक्चुअली में ये चूल्हे की तो नहीं बट भट्टियों में बनती है ना, तो इसका टेस्ट बहुत सोंधा सोंधा आता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, देख सकते हो आप मेरे पापा जी बैठे हैं, ससुर जी बैठे हैं, हम लोग जो है नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो एक्चुअली मैं साथ में बैठ रहा था इसलिए नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, नहीं तो मैं तो पलंग में ही बैठती हूँ, नीचे बैठते ही नहीं बनता। उसके बाद देखो आप, मैं पूरा किचन विचन क्लीन करना है, बर्तन वगैरह सब क्लीन करने हैं, खाने के जो भी निकले थे और पूरा जो भी सामान लेके आए थे ना हम लोग, वो इन्होंने ही जमा दिया था। आप देख सकते हो बीच बीच में आएंगे, क्योंकि किचन में जो है हेल्प कर रहे थे मेरी, सारे बर्तन वर्तन मुझे दे दिए लाके, पूरा सामान उन्होंने फ्रिज में रख दिया, सब्जी वगैरह जो भी थी। तो उसके बाद मैंने अच्छे से बर्तन वर्तन क्लीन किया, किचन वगैरह साफ किया। और हम लोग जो है ना 8 बजे घर आ गए थे, आपको पता है जल्दी जल्दी में आ गए थे। और फिर उसके बाद अभी का टाइम हो रहा है, खाना खाने के बाद 9 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने किचन विचन क्लीन किया, ये आप देख सकते हो। बस तो गाइस बस इतना सा था मेरा आज का ब्लॉग, होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत छोटा है बट बस ऐसे ही मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से, होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।